नमस्कार, मैं हूं देवांश की मोइत्रा। सलमान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 अब खत्म हो चुका है और इस ऐतिहासिक शो की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला जीत चुके हैं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ने जब से ट्रॉफी जीती है तब से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनके साथ एक के बाद एक विवाद जुड़ते दिखाई दिए, जहां कुछ लोगों ने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया तो कुछ लोग अभी भी बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने सिद्धार्थ शुक्ला पर निशाना साधते हुए बिग बॉस मेकर्स को भी खूब खरी खोटी सुनाई। और तो और, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी शिल्पा शिंदे ने खुलासा किया है। लेकिन अब शिल्पा के बाद बिग बॉस सीजन 9 के विनर प्रिंस नरूला भी सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ बोलते दिखाई दिए। जी हाँ, प्रिंस नरूला ने आसिम रियाज को सपोर्ट करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ कई बयान दिए। प्रिंस नरूला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुबारक हो कलर्स टीवी और सलमान खान, आपने इस देश के युवा को सिखाया कि हिंसा, गाली देना और अश्लीलता को ताज पहनाकर महिमा मंडित किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, मैंने एक चीज बड़ी गौर से देखी है, कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला की जीत मनाता नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी चैनल या आर्टिकल सिद्धार्थ शुक्ला की जीत की खुशी मनाता नहीं नजर आ रहा है। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि ये सब फिक्स्ड था। बिग बॉस जीतने के लिए आसिम ज्यादा डिजर्विंग था। शुक्ला जी, आप ट्रॉफी तो जीत गए लेकिन इज्जत नहीं जीत पाए। वैसे प्रिंस का भी ये कहना है कि आसिम ज्यादा डिजर्विंग थे, सिद्धार्थ नहीं। बता दें कि काफी वक्त से ऐसी खबरें थी कि बिग बॉस का 13वां सीजन सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतेंगे, शो उनको लेकर बायस्ड है। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब सच में सिद्धार्थ ने ट्रॉफी जीत ली। लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि पूरे सीजन के दौरान गुस्सा, अग्रेशन और अपशब्द बोलने वाले सिद्धार्थ कैसे विनर बन सकते हैं। इसी बीच खुद को चैनल की एक कर्मचारी बताने वाली एक महिला ने बिग बॉस और उसके विनर के फिक्स्ड होने का दावा करके सभी को चौंका दिया। बाद में चैनल को स्टेटमेंट जारी कर कहना पड़ा कि उस महिला का चैनल या शो के साथ कोई संबंध नहीं है और उसने जो भी दावे किए हैं वो झूठे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सिद्धार्थ शुक्ला से ज्यादा आसिम डिजर्विंग है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहिए इनसाइड न्यूज के साथ।